ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम, यस मैम। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग यस्टरडेज रिविजन टॉपिक यू कैन आस्क मी। ओके ऋतिक, देयर इज कॉपर एंड टिन। यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया था कि मेसोपोटामिया जो टाइम था उस समय में ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा यूज हो रहा था और कॉपर और टिन को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनाया जाता है। इट्स एन अलॉय, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। यस मैम। ठीक है, ओके। कल जो हमने रिवाइज किया ओके था मैम। उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। आज हम रिवाइज करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड अर्बनिज्म? अर्बन से आप क्या समझते हैं? एक रफ आइडिया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप गलत भी बोलेंगे तो एटलीस्ट ट्राई करिए। शहर। ओके कूल, बाकी बच्चे भी बोलेंगे। विलेज। अर्बनिज्म इज या शहरीकरण, ठीक है, सिटी एरिया। अर्बनिज शहर एंड देन अर्बनिज्म इज शहरीकरण, यानी कि रूरल एरिया से लोग बाग जो हैं शहरीकरण की तरफ मूव कर रहे थे। सिटीज और टाउन्स जो है वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशंस जो है, आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशंस, वो ऐसी जगह नहीं हुआ करती थी जहाँ सिर्फ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वो एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप किया जाता था, भले ही वो फूड प्रोडक्शन को लेकर के हो या सारी चीज़ें जो है टाउन्स के अंदर होती थी और लोग बाग इकट्ठे होकर के अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए भी काम करते थे। अब जैसे कि इसको अगर आप आज की प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो आपके यहाँ पर आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पर इकोनॉमी को लेकर के ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मतलब ज़्यादा चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो सिटीज़ के अंदर आपको ऑफिसेज दिख जाएंगे। तो ये अलग अलग पूरा पूरा अलग अलग वो होता है, ठीक है, जिसमें शहर के अंदर आपको इकोनॉमी को सुधारने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। और वहीं अगर आप कंपेयर करें छोटी सिटीज़ और छोटे टाउन्स जैसे होते हैं जहाँ पर मेट्रोज का काम नहीं है या मेट्रो सिटीज़ की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें कम देखने को मिलेंगी। तो इनके यहाँ पर भी यही हो रहा था, जो सिटी और टाउन्स होते थे वो सिर्फ ऐसी जगह नहीं हुआ करती थी जहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, वो ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पे ये इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करते थे। सारे जो इनके पास में फील्ड्स हुआ करती थी भले वो फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, तो उसको भी ये पूरा एडवांटेज लेने की कोशिश करते थे, ठीक है। यहाँ पर अर्बन इकोनॉमीज के अंदर ये लोग फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज, इन सबको इम्पोर्टेंस देते थे। जो शहर के लोग थे वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट थे और डिपेंड करते थे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस बातचीत चलती थी उन लोगों के बीच में। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक। यहाँ की एक एग्जाम्पल, अब ये जो इनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चल रहा है उसके एग्जाम्पल दे रखा है कि जो स्टोन से कार्विंग करने वाला होता है ना, उसकी कारीगर होता है स्टोन का सील बनाने के लिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्रॉन्ज के टूल्स की, ठीक है। तो वो बिना उसके नहीं, ब्रॉन्ज के टूल्स के बिना कार्विंग नहीं कर सकता, यानी पत्थर की कार्विंग, यानी मूर्ति बनाने वाले को भी छेनी हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग मेटल के बने हुए होते हैं तो वो बिना उसके तो काम कर नहीं सकता, ठीक है। या फिर कलर्ड स्टोन्स की सील्स बनानी है तो वो बिना उसके काम नहीं कर सकता। तो आपस में एक दूसरे के बीच में एक स्पेशल आपका वो होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को एक स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर काम में तो उसको दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी, जो उसके औजार हैं, जो उसके टूल्स हैं वो
बिना उसके काम नहीं कर पाएगा. तो ये एग्जाम्पल है. तो ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स. ब्रॉन्ज के टूल बनाने वाला जो अपने आप बाहर जाकर के मेटल की तलाश में नहीं जाती है कि वो जाकर के ढूंढे मेटल कहाँ मिल रहा है, कॉपर कहाँ मिल रहा है, टिन कहाँ मिल रहा है, वो सिंपली एक दुकान पर जाकर के सामान खरीद के ला करके अपना काम शुरू करेगा. तो ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे. ठीक है, अर्बन लाइफ के ऊपर डिविजन हो रखा था लेबर का, यानी काम का. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं आप. नो मैम. नो मैम. ओके कूल. अब ऐसे ही जो टूल्स बनाने वाला व्यक्ति है उसको फ्यूल की जरूरत बनी पड़ेगी, तो वो चारकोल का यूज करेगा. अब चारकोल भी वो कहीं से लेकर के आएगा. तो सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. अब इसमें आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में बताया गया है. वो भी एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर फ्यूल, मेटल और वेरियस स्टोन, वुड एक्सेट्रा जो है, सारे डिफरेंट प्लेसेस के जो लोग होते थे सिटी के अंदर, जो भी इन चीज़ों का निर्माण करते थे, वो इकट्ठे होते थे. इस तरीके से वो क्या करते थे, अपनी मीटिंग्स वगैरह बिठाते थे, ट्रेड करते थे. ठीक है, कहाँ पे हमें व्यापार करना चाहिए, कहाँ हमें स्टोरेज की ज़रूरत है, वो सब डिस्कस करते थे. कहाँ डिलीवरीज करवानी है फूड आइटम्स की, कौन से विलेज से कौन से सिटी में करवानी है, कहाँ पे इसको स्टोर करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें भी देखते थे. अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते थे, जो सिर्फ स्टोन्स या ब्रॉन्ज टूल से ही या पॉट से ही रिलेटेड नहीं होती थी, बाकी चीजों से भी रिलेटेड होती थी. इस तरह के सिस्टम में लोग बाग जो है वो कमांड्स जो उनको दिए जाते थे उसका आदर करते थे, यानी कि उनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे उसका वो रिस्पेक्ट करते थे. और इसी से अर्बन इकोनॉमीज जो है वो इसीलिए रिटन रिकॉर्ड में मिली गई है, यानी कि आपको जो भी काम बताया जा रहा है उसका एक रिटन रिकॉर्ड भी रखा जाता था, मेंटेन किया जाता था उस जमाने में. ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर दिया गया है. अब यहाँ पर है द वॉर का हेड. दिस वुमेन्स हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट यूरोप बिफोर 3000 BCE. ये जो वुमेन हेड है, वुमेन का हेड है, इसको बनाया गया था वाइट मार्बल से उरुक बिफोर 3000 BCE में. इसकी आईज और आईब्रोज जो है वो टेकन लैपिस लजूली ब्लू एंड शेल व्हाइट एंड बिटुमिन ब्लैक इन ले रिस्पेक्टिवली. अब इसकी आंखों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, तो आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी पिक्चर देखने को मिल रही है, लेकिन एग्जैक्टली में जो आईज हैं ये अलग अलग ब्लू शेल या वाइट शेल से मिला करके बनाई गई हैं. देयर इज अ ग्रूव अलॉन्ग द टॉप ऑफ द हेड. एक ग्रूव बताया गया है अर्थ इसके सर के ऊपर, परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट. ये डिजाइन जो बताया गया है ये दिखाया गया है इस तरीके से कि यहाँ पे कोई ऑर्नामेंट पहना जाता था. ठीक है, इसकी आईब्रोज जो है वो भी यूनिब्रो ही है. दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर. ये वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर है, एडमायर्ड फॉर डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ वुमेन्स माउथ, चिन एंड चीक्स. ये बहुत ही फेमस है स्कल्पचर, और इसको माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है माउथ, चिन और चीक्स का किसी वुमेन के. एंड इट वाज मॉडल्ड इन अ हार्ड स्टोन दैट वुड हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस. और ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही हार्ड स्टोन से बनाया गया है जो इन्होंने इंपोर्ट करवाया था किसी बाहरी दूसरी जगह से. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. ओके, अब है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज. हाउएवर, अब जो ये सामान जो ये ला रहे थे, ठीक है, बाहर से भी सामान इंपोर्ट करवाते थे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे फूड रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे. कई सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे बहुत ही कम मिला करती थी, जैसे कि स्टोन्स फॉर टूल्स, टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स नीचे, सील्स के लिए, ज्वेल्स के लिए, या ये जो वुड थी ये इराकी डेट पाम की, ये भी कम थी. पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर द कार्ट्स. अब ये जो डेट पाम की लकड़ी थी ये इससे कार्ट्स नहीं बना सकते थे, ना कार्ट व्हील्स, यानी कि जो बैल गाड़ी होती है एक तरीके से, ना वो बनाई जा सकती थी, ना उसके व्हील्स बनाए जा सकते थे, ना बोर्ड्स बनाई जा सकती थी, और वहाँ पर बिल्कुल भी मेटल नहीं था. तो टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स भी नहीं बनते थे.
इसीलिए मेसोपोटामियंस जो है वो ट्रेड करते थे टेक्सटाइल्स के अंदर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर, जो बेसिकली होता था वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, इसके द्वारा, यानी कि जैसे कि बार्टर सिस्टम होता था पहले के ज़माने में, कि आपको हम ग्रेन्स दे रहे हैं तो आप हमें उसके बदले में वुड, कॉपर, टिन, इस तरह की चीज़ें दे सकते थे, ये एक्सचेंज चलता था, ठीक है। कई सारे स्टोन्स मंगाए गए टर्की और ईरान से, और गल्फ जो है वहाँ से भी मंगाए गए। बाद में ये रीजन जो है मिनरल रिसोर्सेज के लिए पहचाना जाने लगा, क्योंकि मतलब थोड़ा कम पहचाना जाने लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्कोप बचा था और एग्रीकल्चर का स्कोप भी बहुत कम था। रेगुलर एक्सचेंज होते थे, इसी के कारण यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरी तरीके से सही सेट हो गई और फॉरेन एक्सपेडिशंस होने लगे। फॉरेन एक्सपेडिशंस का मतलब है कि फॉरेन से चीज़ें यहाँ पे आने लगी और यहाँ से भी कुछ चीज़ें वहाँ जाने लगी, डायरेक्ट एक्सचेंज होने लगा लोगों के बीच में सदर मेसोपोटामिया के। क्राफ्ट, ट्रेड्स और सर्विसेज के अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी किए गए हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट किए गए हैं। अगर ज़्यादा टाइम लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स को भी पाला जाता था, ठीक है, और एनिमल्स जो हैं वो ग्रेन्स कैरी करके लेके जाते थे, चारकोल लेकर के जाते थे सिटीज़ में, ठीक है, बुलक कार्ट्स पर, और इससे सिटी की इकोनॉमी को भी जो है फायदा हो रहा था। चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि उस समय में बाकी कुछ तो था नहीं, सिंपली जो वाटरवेज होते हैं वही चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता था है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी चीपेस्ट मोड के तौर पे। रिवर बोट्स, बार्जेस लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन्स आर प्रोपेल्ड बाय द करेंट रिवर विंड, बट वेन एनिमल्स ट्रांसपोर्टेड गुड्स दे नीड टू बी फेड। अब क्या होता है, ये चीपेस्ट कैसे है वाटरवेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि नदियां हैं यहाँ पर, नदियों की और हवा की मदद से ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे, या नदियों के बहाव के कारण जो है ये ले जा सकते थे। लेकिन जब एनिमल्स के द्वारा ये एनिमल्स पे लाद करके सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, तो एनिमल्स को इनको खिलाना भी पड़ता था, तो वो क्या होता था, एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता था। कैनल्स और नेचुरल चैनल्स जो थे वो मेसोपोटामिया के अंदर हैं, और वो बहुत ही अच्छे रूट्स माने जाते थे। अच्छे रूट्स कैसे, गुड ट्रांसपोर्ट, यानी अच्छा ट्रांसपोर्ट होता था बड़ी सिटीज से छोटे सेटलमेंट एरियाज जो होते थे उनके बीच में। अब यहाँ पे एक सिटी हुई है मैरी लेटर, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट थी यूफ्रेट्स के लिए, और उसको वर्ल्ड रूट के तौर पर बाद में माना गया। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत नो मैम समझ में आ रहा है, या आप लोग बस सिंपली जो है बैठे हुए हैं? आप लोगों ने पढ़ाई करी कल, इस जो कल हमने इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा था उसके बारे में? हाँ या ना कुछ बोलेंगे आप लोग? मैम यस बोलो ऋतिक। मैम ये जो है ना 3,200, सॉरी 3,200 BCE ये जो लिखा हुआ है ना मैम, हम्म, जो ये लाइन है ना, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एवरी ओवर वाटर और वेयर आर गवर्नमेंट विद टैक्सी वाली मैम, ये लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ ना मैम, उसके ऊपर चीपेस्ट मोड से, चीपेस्ट मोड पे। अच्छा हाँ बोलो, ये समझाऊं? हाँ देखो, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ये बताया जा रहा है सब जगह होता है, पानी के रास्ते जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, बल्कि आज के जमाने में भी पानी के रास्ते से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सस्ता माना जाता है। एयरवेज जैसे एयरपोर्ट और ये प्लेन के द्वारा जो आज भी हम जर्नी करते हैं वो महंगी होती है, और शिप के द्वारा जो जर्नी की जाती है वो सस्ती होती है, ठीक है। अब ये सस्ती क्यों होती है, इनके ज़माने में सस्ती कैसे हुआ करती थी, क्योंकि इनके ज़माने में एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे। इनके ज़माने में या तो आप बाय रोड ट्रेवल कर लो, ठीक है, जानवर जो होते हैं उनके ऊपर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, या तो वो तरीका होता था, या फिर जो नदियाँ होती थी उसके अंदर, बाय वाटर, हाँ, या फिर उसके द्वारा होता था, ठीक है। तो अब यस ये मैम, सस्ता कैसे होता था वो आपको मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो उसमें क्या होता था, आपको पानी के ऊपर आपने बोट अपनी ली, ठीक है,
आप उस पे सामान लोड कर रहे हैं, ले गए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, आपको कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है, कोई और खर्चा नहीं है, सिंपली आप क्या कर रहे हैं, आप सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और उसमें आपकी मदद, पानी का जो बहाव है, नदी का जो बहाव है, वो आपकी उस डायरेक्शन में जाने में मदद कर रहा है, हवा का जो बहाव है उससे आपको मदद मिल रही है उस जगह पर पहुंचने में, तो आपका एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जब ये जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, तब क्या होता था, वहां पर उनको आराम भी करवाना पड़ता था जानवरों को, और फिर उनको थोड़े थोड़े समय पे, जब ज्यादा लंबी जर्नी होती थी तो उनको पानी भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, तो उसका खर्चा भी बढ़ रहा था। चलो पानी तो फिर नहीं इतना कोई बड़ा एक्सपेंस है, लेकिन उनका रख रखाव करना पड़ता था, जानवरों को मेंटेन करने के लिए उनको खिलाना पिलाना खिलाना पड़ता था, तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा होता था। इसीलिए पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि वाटर के रास्ते जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, वो चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का। यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। ओके। अब है, इन लोगों ने राइटिंग कैसे डेवलप करी, ठीक है, सारी सोसाइटीज जो थी उनकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती थी, वो एक पर्टिकुलर साउंड्स यूज करते थे अपनी बातों को समझाने के लिए, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर डालेंगे। राइटिंग जो है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन के तौर पे देखा जाता था, लिखावट भी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन की तरह देखी जाती थी, लेकिन ये एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से होती थी। जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और स्क्रिप्ट, जब हम बात करते हैं लिखने की और स्क्रिप्ट की, तब हम समझते हैं स्पोकन साउंड्स, यानी कि कुछ साउंड्स जो बोले जाते हैं, जो एक स्पेशल साइन की तरह दिखाए जाते हैं। ये हो गया एक वर्बल कम्युनिकेशन। पहली बार मेसोपोटामियन टैबलेट्स जो हैं वो लिखी गई थी, उसमें 3200 या 3200 BCE के दौरान ये हुआ था। इसके अंदर पिक्चर जैसे कुछ साइंस और नंबर्स थे, ये कुछ 5000 लिस्ट थी जिसमें ऑक्सन, फिश, ब्रेड, लोव्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बताई गई थी। जैसे कि आपके साइट में एक ये फिगर दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको ऑक्स के लिए ये वाला फिगर बनाना पड़ता था, ये फिगर ड्रॉ करना पड़ता था, ठीक है, या फिर ये वाला, या ग्रेन और फिश के लिए आप ये वाला फिगर बताते थे, और नंबर बोर्ड्स के लिए आप ये वाला, ठीक है, ये इनके एक स्पेशल चीज हुआ करती थी। और इसकी इन्होंने कितने लिस्ट बना रखी थी, कितने साइंस थे इनके, 5000 थी, ठीक है, 5000 सिंबल्स थे। इसमें गुड्स भी आते थे जो आप लेकर के आते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे मंदिरों में रुक के, या जो जो कि सिटी थी साउथ में, वहां पर ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इन साइंस का इस्तेमाल किया जाता था। इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस, ठीक है। अब राइटिंग जो है सोसाइटी के अंदर वो रिकॉर्ड्स रखने के लिए की जाती थी, ट्रांजेक्शन्स रखने के लिए। अब भाई कोई व्यापार कर रहा है तो आपको ट्रांजेक्शन तो रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स तो रखने पड़ेंगे उसके। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता था। अब उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर लिस्ट बना रखी थी। ट्रांजेक्शन जो है वो अलग अलग टाइम्स पे किए जाते थे, तो वो भी इनको मेंटेन करने पड़ते थे, और कई लोगों के बीच में और अलग वैरायटी के गुड्स के बीच में किए जाते थे, इसीलिए 5000 लिस्ट थी सारी चीजों की। मेसोपोटामियन जो है वो मेसोपोटामियंस जो थे वो टेबलेट्स लिखा करते थे। टेबलेट का मतलब इस तरह के चीजें हुआ करता है, ठीक है। अब एक स्क्रिब होता था जो एक गीली क्ले पे लिखा जाता था, और फिर उसको सीज उसके एक पर्टिकुलर साइज की चीज पर उसको कंफर्टेबली हाथ से प्रिंट कर दिया जाता था, ठीक है, और फिर उसको एक स्मूथ सरफेस, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर या जो गीली मिट्टी होती है उसके ऊपर इन्होंने एक प्रिंट बना रखे हैं, ठीक है, प्रेस करके। अब जैसे कि इन्होंने अपने पर्टिकुलर लेटर्स के इन्होंने बना लिए, पत्थर पे बना लिए या लकड़ी पे बना लिए, ठीक है। जैसे अपन पुष्कर आप लोग कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि जैसे वहां पर डिजाइन होते हैं जो इम्प्रिंट कर देते हैं, मेहंदी के डिजाइन होते हैं, ठीक है, जैसे अपन टाई एंड डाई में भी यूज करते हैं, कुछ अपने पास में मोल्ड्स होते हैं उसको कलर में डिप करके और फिर प्रिंट करते जाते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी इस तरह की चीज को इस्तेमाल करते थे, जिसपे ये गीली मिट्टी के ऊपर एक फॉर्म पर उसको स्मूथ करके पहले उसके ऊपर ये प्रेस करके मोल्ड्स को इस तरीके के डिजाइन बनाते थे। अब ये डिजाइन इनकी लिस्ट हुआ करती थी जिसमें ये कुछ चीज लिखा करते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो है ये लैटिन वर्ड क्यूनिस से निकाला गया, जिसका मतलब होता है वेज, और फॉर्मा का मतलब होता है शेप, तो वेज शेप, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसका।
क्ले टैबलेट होती थी जिसके दोनों साइड पे लिखा जाता था, क्यूनिफॉर्म में लिखा जाता था। ये एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज होती थी जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल और लाइंस जो है वो बनी हुई है, ठीक है, टॉप पर, इसके टॉप पर ट्राइंगल्स बने हुए हैं और यहाँ पे इसके एंड में बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लेटर्स जो हैं वो प्रेस किए गए हैं क्ले के ऊपर, यहाँ पे ये लेटर्स प्रेस किए गए हैं, ठीक है। अब ये स्मूथ सरफेस होती थी जिसके ऊपर ये लेटर्स प्रेस किए जाते थे, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए, ये क्यूनिफॉर्म के वेज शेप्ड चीज़ें होती थी, साइंस होते थे जिनको ये थोड़ा सुखाने के लिए फिर रखते थे, जब ये मॉइस्ट होती थी तब इस पर प्रेस कर देते थे। ठीक है, अब जो है फिर उसके बाद में ये इस तरीके से पॉट्स पर भी बनाते थे, ये इंडिस्ट्रक्टेबल होते थे यानी कि ये खराब नहीं होते थे, इसलिए इस चीज को ये यूज करते थे। कई बार जो है इस तरह की मेटल के पीसेस पे भी ये इस तरह के रेलेवेंट डिजाइन्स बनाते थे और अपने ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करते थे। ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने का तरीका ये होता था कि आगे जा करके कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सके, इसलिए। समझ में आया? यस मैम। ओके, 2600 BCE और उसके बाद तक लेटर्स जो हैं वो क्यूनिफॉर्म में आने लगे, लैंग्वेज जो है वो चेंज होकर के सुमेरियन हो गई और राइटिंग्स जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए नहीं बल्कि डिक्शनरीज बनाने के लिए भी होने लगी। कई लीगल वैलिडिटी लैंड ट्रांसफर्स भी होने लगे जिसके अंदर कई सारी काम जो होते थे राजा के वो भी इंक्लूड किए जाने लगे, अनाउंस करे जाने लगे, जो अलग अलग चेंजेस वो कानून में ला रहे थे वो भी ये करने लगे। सुमेरियन जो है सबसे अर्लीस्ट लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, ठीक है, और धीरे धीरे ये बाद में जाकर के अकाडियन लैंग्वेज के तौर पे बन गई और क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है वो अकाडियन लैंग्वेज के अंदर अभी भी इंक्लूडेड थी और उसके बाद में ये फर्स्ट सेंचुरी तक चली और फिर उसके बाद समय के साथ साथ इसके अंदर चेंजेस आने लगे और ये यूज हुई करीबन 2000 ईयर्स के लिए। तो ये हमारा टॉपिक कम्प्लीट हो गया। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, वी स्टिल हैव टाइम। The development of writing. No, ma'am. Okay. So that's all for today. We'll continue this chapter on Monday. Please conjure up your problems. We'll solve your problems on Monday session. And please start working on your. Ma'am. Yes. अगर कोई problem होती है तो आपसे पूछ सकते हैं ना WhatsApp पे? बेटा मैं चाहूँगी कि आप मुझे मैसेज कर दें, कॉल ना करें क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम आई एम रियली बिजी। आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हाँ बेटा, ओके कूल। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी प्रोजेक्ट वर्क पर काम करिएगा, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही हो तो आप वीडियोस जो है उसमें देख सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपरली उसमें समझाया है कि किस तरीके से काम करना है, कौन से पेजेस यूज़ करने हैं और किस तरीके से आपको पेंस यूज़ करने हैं, सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ओके मैम। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो 1-2 मिनट का थोड़ा सा गैप हो जाता है ये कई बार सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है या नेटवर्क इशू होते हैं, इस वजह से जो है दिक्कत आती है आप लोगों को लिंक भेजने में। अदर देन दैट मैं फोकस देती हूँ कि मुझे क्लास कब से कब स्टार्ट करनी है, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। गुड।